अगर मालदीव्स में अगर हम पॉलिटिकली देखें तो वहां के जो कट्टरपंथ है या जो वहां के नेता हैं का एक हिस्सा है, वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखता है, या लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो वो प्रेफरेंस इस्लाम को देता है। तो वैसी क्या वजह आ गई कि वो चीन के करीब जाने लगा? चीन तो फिर अलग तरह की वहां विचारधारा है, अलग तरह की व्यवस्था है, भारत तो फिर भी डेमोक्रेसी है, तो चीन के करीब जाने की वजह। दूसरा, जब प्रेसिडेंट जो है मालदीव्स के, ये परंपरा रही है कि पहले भारत आते हैं, लेकिन अब जो उनकी यात्रा पहले चीन के लिए रही, मोहम्मद मुइजू मालदीव्स के प्रेसिडेंट की, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्या उनकी मजबूरियां हैं, ये क्या उनके इंटरेस्ट हैं? देखिए, मालदीव्स बहुत छोटा देश है और जैसा कि मैंने कहा, इसकी जो शुरुआत है, रिश्ते तो पहले प्रेसिडेंट मामून गयूम के समय पे भी चाइना से रिश्ते थे। उनका पहला जो है दूतावास, वो प्रेसिडेंट नशीद जो है, जो जिनको हम लिबरल और डेमोक्रेटिक नेता समझते हैं, उनके समय में पहली बार दूतावास आया है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ रिश्ता बनाना चाहता है तो उसमें बाधा आना लाना कोई आसान बात नहीं है, या उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो समय का तकाजा है एक तरह से। लेकिन वो जैसे ही मालदीव ने उनको थोड़ा सा तूल दिया, तो चीन ने बिल्कुल जो है अपने टेंटकल्स उस देश में फैलाने शुरू किए। चीन अकेला देश थोड़ी है जहां पर मालदीव अकेला देश थोड़ी है कि जहां पर मालदीव चीन जो है अपना प्रभाव डालने में रुचि रखता है, वो तो पूरे विश्व में कर रहा है। हिंद महासागर में तो बहुत ही कोशिश उनकी जारी है, अलग अलग तरीके से, कहीं अफ्रीकन कोस्ट पे वहाँ बेस बनाने की चेष्टा चलती है उनकी। तो मालदीव तो उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि भारत के पूरे प्रभाव में एक तरह से मालदीव रहा है, क्योंकि संबंधों की जो तीव्रता थी, वो स्ट्रेंथ थी, वो इतनी जबरदस्त थी कि भारत के प्रभाव में था मालदीव। और इस बंधन को हमेशा मामून गयूम, जो कि मैं समझता हूँ कि कॉन्जर्वेटिव थे अपने आप में, और उनके उनका जो रिजीम था वो सेंट्रली कंट्रोल्ड रिजीम था, उसके बावजूद भी भारत का महत्व उन्होंने पूरी तरह से पहचाना था और उन्होंने हमेशा संतुलन रखा और भारत को प्राथमिकता दी। ये जो है यामीन के समय पे, जी मूल रूप से यामीन जो है एक बिजनेसमैन है, प्राइमरली पॉलिटिक्स जो है, जैसे गयूम पीछे हट गए तो उन्हीं के परिवार के सदस्य है वो, तो इसलिए वो उनको स्थान मिल गया और उसका उन्होंने पूरा इस्तेमाल जो है अपने राजनीति का इस्तेमाल उन्होंने और भी अपने आप को वित्तीय तरीके से समृद्ध बनाने में किया। जी तो इसमें सहायता देने वाले कौन थे? सहायता देने वाला चाइना, चीन था। जी तो यामीन के समय से ये कॉन्जर्वेटिव एलिमेंट जो है ओपनली उन्होंने चाइना के साथ साइडिंग शुरू कर दी और फिर चाइना एक मेजर प्लेयर बन गया यहाँ पर। और आज भी जो है, उसके बावजूद भी उनकी जो रिश्ता है वो इट इज नॉट मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी नहीं है, वो बिल्कुल कुछ स्ट्रीम में है। और चाइना की जैसे स्ट्रेटेजी होती है, डेट ट्रैप जो श्रीलंका में उन्होंने किया बिल्कुल वो मालदीव में करेंगे। अभी मालदीव तो और भी छोटा देश है, और भी यहाँ जब संकट आ जाएगा तो और भी, लेकिन समय समय पर भारत ने उनको बचाया है, क्रेडिट हो, असिस्टेंस हो, डेट हो, समय समय पर भारत ने मालदीव को बचाया है। मतलब जो हमेशा पब्लिक की नजर में नहीं आता है वो यही बात है कि जब भी कोई दिक्कत होती है, तकलीफ होती है मालदीव को, तो भारत ने हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो अब मोहम्मद मुइजू मालदीव्स के प्रेसिडेंट की चीन यात्रा क्या वहां की इकोनॉमी को मुश्किल में डाल सकती है? अगर भारतीय सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव्स जाते हैं, अगर वो जाना छोड़ दे, क्योंकि भारत में जो माहौल बन रहा है मालदीव्स के खिलाफ, चाहे हमारे सेलिब्रिटीज हैं, चाहे हमारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे आम जनता है, एक तरह से मालदीव्स को बॉयकॉट करने की बात हो रही है,
जितना भी हमने सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखे उसमें कि किस तरह से उन्होंने वहां के मंत्रियों ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे प्रधानमंत्री के लिए, और लक्षद्वीप जाने पर जिस तरह से मजाक उड़ाया गया। तो हम अगर वहां की जो इकोनॉमी देखें मालदीव्स की, तो वो पर्यटन पर कितनी निर्भर है, और सिर्फ पर्यटन की बात नहीं है, आपने तो बहुत सारी और बातें भी गिनाई कि किस तरह से सिक्योरिटी की बात हो या एजुकेशन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, या हर तरह से भारत में ज्योग्राफिकली बहुत करीब है, जो मालदीव्स और भारत है वो हिस्टोरिकली भी बाउंड है। तो सबसे पहले भारत मदद के लिए आया, तो अब अगर भारत की तरफ से इस तरह से, और इतना ही नहीं अमेरिका ने भी और कनाडा ने भी एडवाइजरी जारी की है वहां के हालात को देखते हुए कि वहां ट्रेवल अगर कर रहे हैं वहां के नागरिक तो सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि मालदीव्स के साथ टेरर वर्ल्ड जुड़ने लगा है, टेररिज्म वर्ल्ड जुड़ने लगा, आईएसआईएस वर्ल्ड जुड़ने लगा है, और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो वहां के जा रहे हैं युवा और आईएसआईएस की तरफ मुड़ रहे हैं और वहां जाके ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, तो कभी भी वहां कुछ भी हो सकता है, तो सावधान रहने की जरूरत है। तो कई फैक्टर्स हैं जो कि पर्यटकों को अलग करेंगे मालदीव से, चाहे सबसे पहले नंबर पर भारत है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, जो पर्यटक जाते हैं, तो उसका मालदीव की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ सकता है? असर तो होगा। अभी जो थोड़ी खबरें आई है, और इज माय ट्रिप और कई अन्य लोगों ने अपने कैंसिलेशंस भी दर्ज किए हैं, मुझे लगता है लेकिन इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा उस तरह से चलेगा नहीं। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन जो मालदीव से रिपोर्ट है वो कहती है कि थोड़े बहुत कैंसिलेशन हुए हैं, लेकिन कैंसिलेशन बहुत कम है, नए बुकिंग्स में फर्क आया हुआ है जी। लेकिन वो आप देखना पड़ेगा कि कब वो बदलाव आता है, और हाँ मुझे लगता है कि इसका उस तरह से बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। इमीडिएट असर रहा है, लोगों पे, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जो डेंट आया है वो मालदीव के रिपुटेशन में डेंट आया इससे। और ये मैसेज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, और देशों तक भी जाएगा, रशिया के भी टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के जाना छोड़ेंगे, और भी कंट्रीज जो है भारत के अलाइज जो है वो भी, हो सकता है कि इस तरह का मैसेज उन तक भी जाएगा कि किस तरह की गतिविधियां हैं जो मालदीव को लेके। बिल्कुल जाएगा, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा, इमेज पे होगा, बिकॉज पर्यटन जो है इमेज पे चलता है जी। अगर ये परसेप्शन हो गया कि वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ लोग झगड़े कर रहे हैं, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं, तो उसका जरूर असर होता है और होगा। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि ये अभी का जो माहौल है वो बहुत लंबा टिकने वाला नहीं है, लोग फिर जाना शुरू करेंगे। भारत के लिए जो है बड़ी चुनौतियां जो आई है वो मैं समझता हूँ कि चीन का वहाँ जो है बढ़ता हुआ प्रभाव है, हमारे वहाँ के जो टेक्निकल सपोर्ट टीम्स है उसके बारे में उन्होंने जो कहा है वो चिंता का विषय है, और हमारी डिप्लोमेसी मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसके सामने ये चुनौती है, और चुनौती को डील करेगी, क्योंकि पहले भी किया है, प्रेसिडेंट यामीन के समय पे, प्रेसिडेंट वाहिद के समय पे, और आज भी मतलब ये करना है। और इन्होंने इंडिकेशन तो यही दिया है ना कि जब प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्राध्यक्ष मुइजू की COP28 में जो मीटिंग हुई है उसमें एक टास्क फोर्स की बात हुई है, तो जब टास्क फोर्स होता है तब कई सारे लोग जुड़ जाते हैं, और एक उनके सामने भी एक समग्र चित्र जो है उभर आएगा इस भारत और मालदीव के संबंधों का, और उसके बाद किस तरह से हम नेविगेट करना है इस पूरे प्रश्न पे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये टूरिज्म बॉयकॉट उतने मायने नहीं रखता है। और ये मतलब दुर्भाग्य की बात है, और बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक पद पे आसीन व्यक्ति के लिए इस तरह का वक्तव्य करना मतलब उसको क्षमा नहीं की जा सकती एक तरह से। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इस पूरे दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक बड़ी पॉजिटिव चीज उभर आई है। एक तो लोग पहली बार लक्षद्वीप का सर्च जो है अनप्रेसिडेंटेड हो गया, वायरल हो गया, भारत के लोगों को भी लक्षद्वीप कहाँ है इसका पता नहीं था।
ज्यादातर लोग, तो मैप पे कहाँ है क्या है। और इससे दूसरा है कि पैकेज प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंस किया है वे वहां के विकास के लिए, उसका मतलब है कि जल्दी से जल्दी वहां पर भी जो है पर्यटन का विकास होगा।